हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई एम प्रदा और आज का हमारा टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट का प्रोसेस, कि लैंग्वेज आपके अंदर किस तरह डेवलप होती है, उसका क्या प्रोसेस है। एवरी चाइल्ड रिक्वायर्स कमांड ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ हिज मदर टंग। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा जो है, जो भी उसकी मदर टंग होती है उसके अंदर वो कह लें कि मास्टर बन जाता है उसका। बोलते वक्त उसको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि इसको इस जुबान में क्या कहते हैं या इसको किस तरह एक्सप्रेस करना है। By virtue of this command, he is able to utter words of his language, to grasp their meanings, arrangement, accent and rules, and to express his feeling. और इस कमांड की वजह से वो उस लैंग्वेज के अल्फाज को सही तरह बयान कर सकता है, उनके मीनिंग्स को जानता है, उनको अरेंज करना जानता है, उनके एक्सेंट को जानता है और उसके रूल्स को भी जानता है। दिस कमांड हेल्प हिम टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन लेटर ईयर्स। और ये जो कमांड है वो उसको हेल्प करती है, मदद देती है कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट यानी कि राबता करने के लिए या बातचीत करने के लिए इफेक्टिवली मौसर अंदाज में इन लेटर ईयर्स, आने वाले सालों में। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। बिहेवियर्स बिलीव डैट अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज द सेम वे एज ही लर्न्स अदर थिंग। बिहेवियरिस्ट का ये मानना है कि बच्चे बिल्कुल उसी तरह लैंग्वेज को याद करते हैं जिस तरह के वो दूसरी चीज़ों को याद रखते हैं। Initially, the child repeats only those gestures that he finds pleasant. पहले ये होता है कि बच्चा जो है महज उन gestures को repeat करता है जो वो जो कि आप कह लें उसको pleasant लगते हैं, जो कि उसको fun लगते हैं। When the child utters a word, parents are overjoyed. और जब बच्चा कोई भी लफ्ज बोलते हैं तो माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। That is why the child often utters the word that he has learnt in the beginning. और वो इसको जो है ना उसको अटेंशन मिलती है, माँ बाप खुश होते हैं तो बच्चे होते ही अटेंशन सीकर हैं, तो वो जो भी वर्ड सीखते हैं वो उसको फिर बोलने की कोशिश करते हैं। व्हेन द चाइल्ड पॉइंट्स टू द ग्लास, द मदर सेज, जब बच्चा ग्लास की तरफ पॉइंट करता है तो उसकी माँ कहती है वाटर, यानी कि पानी। द चाइल्ड लर्न्स द वर्ड वाटर, और इस तरह बार बार जो है रेपिटेशन से, बार बार दोहराने की वजह से बच्चे को वर्ड वाटर जो है वो याद हो जाता है। As the child grows up, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, he begins to imitate the sound around him, तो वो उसके इर्द गिर्द जो साउंड्स हैं उनको भी इमिटेट, यानी कि उनकी भी नकल उतारने की कोशिश करता है। Parents keep correcting his pronunciation, at last the child informally learns how to converse in accordance with grammatical rules, और इस तरह repetition की वजह से और parents के बार बार correction की वजह से बच्चा आखिरकार बोलना सीख जाता है। विकॉर्ट्सिकी ओपाइंस दैट पेरेंट्स हेल्प अ चाइल्ड अलॉट इन लर्निंग कम्युनिकेशन। दिस शो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एटीट्यूड। व्हेन द चाइल्ड बिगिन टू कम्युनिकेट, पेरेंट्स अटर वर्ड्स दैट आर बिट टू डिफिकल्ट फॉर हिज मेंटल एबिलिटी। द चाइल्ड इमिटेट्स पेरेंट एंड मैनेजेस टू लर्न लैंग्वेज इन द लॉन्ग रन। पेरेंट्स जो हैं उनका बहुत ही अहम किरदार होता है बच्चे की एक लैंग्वेज सीख। पेरेंट्स जो है पॉजिटिव भी एटीट्यूड शो करते हैं, उसके अलावा नेगेटिव एटीट्यूड भी शो करते हैं। जब बच्चा कम्युनिकेशन शुरू करता है तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि उसके कहीं उसके माइंड स्टेट के मुताबिक, जो अभी वो स्टेट पे नहीं आया होता कि वो उन अल्फाज को बोल सके, तो चाइल्ड जो है वो बार बार कोशिश करता है और उसके पेरेंट्स के एटीट्यूड की वजह से, यानी कि उसको वो कहते हैं कि ये वर्ड बोलने की कोशिश करो, उसको वो कहने के पुश करते हैं कि ये वर्ड आपने बोलना है, तो उससे क्या होता है वो बोल इन द लॉन्ग रन वो बोलना जो है वो सीख जाता है, वो एक लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलना सीख जाता है। साइकोलॉजिस्ट मेंटेन दैट बोथ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हेल्प इन कम्युनिकेशन। द कंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट बिगेन्स
The conductive environment brings about a situation that helps in learning language, whereas hereditary factor helps the child to learn how to utter words fast and correctly. Psychologists का ये मानना है कि both biological और environmental factors जो हैं वो communication में help करते हैं. Conductive environment जो है वो ऐसी situation सामने लेकर आती है जो कि बच्चे को लैंग्वेज याद करने में, उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. वेयर एज हेरिडिटरी फैक्टर्स जो हैं वो भी बच्चे को वर्ड्स को फास्ट और करेक्टली बोलने में मदद करते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव थ्योरी, द चाइल्ड परसीव्स वेरियस फैक्टर्स थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेसेस. कॉग्निटिव थ्योरी के बेस पे अगर आप देखें तो चाइल्ड जो है वो बहुत से फैक्टर्स हैं उनको प्रसीव करता है कॉग्निटिव प्रोसेस की बेस पे. कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को पहचानने लग जाता है. हैविंग ऑर्गेनाइज इंपॉर्टेंट थिंग्स ही स्टोर्स देम इन द माइंड. वो क्या करते हैं, जो उसको चीज़ें अहम लगती हैं उनको ऑर्गेनाइज करके अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं. He perceives only those things in everyday life that are important to him. और वो महज उन्हीं चीज़ों को perceive करता है पहले जो उसके लिए important होती हैं. For example, उसको प्यास लगती है तो वो पानी मम बोलना सीख जाता है. फिर उसके बाद अगर उसकी माँ उसकी ट्रेनिंग वगैरह करती है तो वह ये भी बताने लग जाता है कि उसको अब वॉशरूम जाना है, उसको नींद आ रही है. तो महज उन चीज़ों को वो सेव करेगा अपने ब्रेन में जो कि उसके लिए important है. द सेम प्रिंसिपल इज़ इन्वॉल्व इन लर्निंग लैंग्वेज. और सेम प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल जो है वो लैंग्वेज लर्निंग में भी यूज़ करते हैं. यानी कि जिन वर्ड्स को ज़्यादा उसके सामने यूज़ किया जाता है, जो उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उसको आने चाहिए, तो वो उनको सीख जाता है. द फाउंडर ऑफ हेरिडिटरी थ्योरी नोएम चॉम्स्की थिंक्स दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज टेक प्लेस बिकॉज ऑफ मेच्योरिटी. फाउंडर ऑफ हेरिडिटरी थ्योरी जो है वो उनका ये मानना है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज जो है, यानी कि एक लैंग्वेज को लर्न करने का जो प्रोसेस है वो मेच्योरिटी की बेस पे होता है. मेच्योरिटी रेफर्स टू फिजिकल डिवेलपमेंट, एज द चाइल्ड ग्रोज हिज ऑर्गन्स बिकम स्ट्रॉन्गर. अब यहाँ पे मेच्योरिटी का मतलब है आपकी फिजिकल डिवेलपमेंट. अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसके टंग के मसल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते. वो चल नहीं सकता क्योंकि उसके लेग्स के मसल इतने स्ट्रांग नहीं होते. वो लिख नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ के मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो तब टेक प्लेस होती है जब मेच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर. और मेच्योरिटी में यहाँ से मुराद है फिजिकल डिवेलपमेंट, यानी कि उसके मसल्स वगैरह जब स्ट्रांग हो जाते हैं तब वो लैंग्वेज लर्निंग की तरफ आता है. एज अ चाइल्ड ग्रोज हिज ऑर्गन्स बिकम स्ट्रांगर. और जैसे जैसे चाइल्ड बढ़ता जाते हैं उसके ऑर्गन स्ट्रांग होते जाते हैं. When the muscles of tongue become strong along with the majority of other organ and the child is able to move it at will, he begins to talk. और जब बच्चा जो है उसके organs इतने strong हो जाते हैं कि वो जब वो चाहे अपनी tongue को अपनी मर्जी से move कर सकता है तब वो बोलना start कर देता है. However, the child has to have proficiency in basic rules in order to learn language. लेकिन वो कह रहे हैं child के पास basic rules होने चाहिए, यानी कि बेसिक जो ऑब्जर्वेशन है उसके जहन में होनी चाहिए कि उसने अब इस वर्ड को कैसे बोलना है, तभी वो बोलना सीखेगा. ही इज एबल टू लर्न दीज वर्ड्स विद अ लिटिल प्रैक्टिस. और वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से ही इसको लर्न, यानी कि इसको सीख जाता है कि उसने किस तरह बोलना है. इट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड दैट टॉकिंग और लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट एंड हैविंग कमांड ऑफ लैंग्वेज एंड डिफरेंट स्किल. और इट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, यानी कि याद रखना लाजिम है कि टॉकिंग और लर्निंग या हाउ टू कम्युनिकेट और हैविंग कमांड्स ऑफ लैंग्वेज आर डिफरेंट स्किल. कि आपको ये जानना कि आपने किस तरह बात करनी है और आपका उस लैंग्वेज पे कमांड होना, दोनों डिफरेंट चीज़ें. बिफोर लर्निंग हाउ टू कन्वर्स द चाइल्ड एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स थ्रू क्राइज, स्माइल्स और फिजिकल जेस्चर्स. लर्निंग से पहले, यानी कि लैंग्वेज जब बोलना नहीं, उसको बोलना नहीं आता, तब उससे पहले वो स्माइल, फिजिकल जेस्चर्स या रो के आपको बताता है कि उसको क्या चाहिए. वी कैन ट्रेस द डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन थ्री स्टेजेस. और हम जो है डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज जो है उसको थ्री स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज प्री लिंग्विस्टिक, यानी कि फोनीम स्टेज. नंबर टू इज मॉर्फीम, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेज. नंबर थर्ड इज साइंटिक स्टेज. Pre-linguistic stage, the stage begins when the child announces his arrival in the world.
आउट द फर्स्ट प्री प्री लिंग्विस्टिक स्टेज वो स्टेज है जब बच्चा जो है फर्स्ट टाइम रोता है. द क्राइम बिकम्स परपोसिव अ लिटिल वाइल आफ्टर हिज बर्थ. और जब बच्चा पैदा होता है तभी साथ वो क्राइम स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि प्री लिंग्विस्टिक स्टेज जो है वो तब बिगिन हो जाती है. However, the child cries for three reasons. वो कह रहे हैं लेकिन बच्चा जो है वो तीन वजूहात की बिना पर चिल्लाता है या रोता है. He is hungry, वो भूखा है. Angry या उसको गुस्सा आया हुआ है. और is in pain या उसको कोई तकलीफ हो रही है, उसको वो किसी दर्द में है. Parents soon begin to recognize the child's pattern of crying and are able to know why the child is weeping. Parents जो हैं उनको पहले के पता चलने लग जाता है, वो पहचान लेते हैं कि आप बच्चा किस वजह से रो रहा है, उसको भूख लगी हुई है, वो एंग्री है या फिर उसको कोई तकलीफ हो रही है. द चाइल्ड स्टार्ट मेकिंग मीनिंगलेस साउंड एट द एज ऑफ 2 months. और जब वो दो महीने का हो जाता है, 2 माह का जब हो जाता है, तो वो मीनिंगलेस साउंड जो है वो अटर करना यानी कि बोलना स्टार्ट कर देता है. ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग बाय मेकिंग डिफरेंट साउंड लाइक आ ई, और वो अपनी फीलिंग्स को डिफरेंट साउंड्स आ और ई के जरिए जो आपको एक्सप्लेन करता है. ही स्टार्ट बैबलिंग एट 6 months. और जब वो 6 माह का हो जाता है तो वो बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि जी दी मा पा इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है. दिस इज नॉन एज द फोनीम स्टेज, और इस स्टेज को हम फोनीम स्टेज कहते हैं. नंबर 2 इज लिंग्विस्टिक यानी कि मॉर्फीम स्टेज. एट मॉर्फीम स्टेज द चाइल्ड वॉइस बिकम इंटेलिजिबल. इसके अंदर जो बच्चे की आवाज़ है वो इंटेलिजिबल हो जाती है. टेकिंग इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड बिगेंस एट द एज ऑफ 11 months. और जब वो 11 महीने का हो जाता है तो फिर उसकी सिर्फ आवाज़ नहीं होती बल्कि इस तरह की होती है कि आप समझ सकते हैं कि वो किसी वर्ड को बोलना चाह रहा है. द चाइल्ड्स बैबलिंग चेंजेस इनटू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज. उसकी जो बैबलिंग है वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है. एट द बिगनिंग ऑफ दिस स्टेज, और इस स्टेज की शुरुआत में, द चाइल्ड ग्रैस्प द होल मीनिंग बाई हियरिंग ओनली वन वर्ड लाइक मामा पापा बॉल ग्लास मिल्क एक्सेट्रा. और इस स्टेज पे बच्चा महज एक वर्ड के जरिए अपने तमाम सेंटेंस के मीनिंग को समझा देता है. लाइक उसने मामा को बोला यानी कि उसने मामा के पास जाना, उसको बॉल बोला था यानी कि उसको बॉल चाहिए, यानी कि एक ही वर्ड से वो अपनी बात को समझाने लग जाता है. द कमूत ऑफ वन वर्ड कीप्स वाइटनिंग फॉर हिम. और ये जो है वन वर्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाता है. वह एक ही जगह वो 2 words बोलेगा, फिर 2 की जगह 3 words बोलेगा. ही यूजेस 1 word टू एक्सप्लेन मैनी कॉन्सेप्ट. और वो एक वर्ड को बहुत से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यानी कि एक वर्ड को वो कई जगह पे यूज़ करता है. एवरी हेल्दी एंड नॉर्मल चाइल्ड लर्न्स टू अटर द फर्स्ट वर्ड ऑफ हिज लाइफ बिफोर रीचिंग हिज फर्स्ट बर्थडे. और कोई भी हेल्दी और नॉर्मल चाइल्ड जो है वो अपनी फर्स्ट बर्थडे से पहले कोई ना कोई वर्ड जो है वो अपनी लाइफ का फर्स्ट वर्ड जो है उसका बोल लेगा, यानी कि एक वर्ड जो है उसकी बर्थडे से पहले वो लास्ट में बोल चुका होगा. द चाइल्ड इनिशियली अटर्स 2 words बाई कंजॉइनिंग देम आफ्टर 1 year. और इसके बाद चाइल्ड जो है वो 2 लफ्ज़ों पे आ जाता है, डिफरेंट वर्ड्स को मिला के वो 2 words अब बोलने लग जाता है. दीज 2 words कैरी द सेंस ऑफ अ कम्प्लीट सेंटेंस. और इस 2 words में एक कंप्लीट सेंटेंस की सेंस बन रही होती है. फॉर एग्जांपल ममा कम गो आउट, जिस तरह हमें बाहर जाना है, ममा आए पानी पीने हैं खेलना है, शर्ट गंदी हो गई है, ये गंदा है, ये गर्म, इस तरह वो बोलेगा यानी कि 2 words में अपने पूरे सेंटेंस को समझा देगा. बाय द एज ऑफ 2 years, तो जब वो 2 साल का हो जाएगा, द चाइल्ड बिगिन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ बाई ज्वाइनिंग 3 or 4 words. अब इसके अंदर क्या होता है, 2 साल तक वो क्या करने लग जाते हैं कि वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं. और इसके अंदर अमूमन 3 से 4 words होते हैं. दीज आर वेरी कम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस. और ये कम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस होते हैं यानी कि बाकायदा सेंटेंसेस होते हैं, आप ये समझें. सच टाइप ऑफ स्पीच इज कॉल्ड टेलीग्राफिक स्पीच. और ऐसी स्पीच को हम कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच. नंबर 3 इज साइंटिक स्टेज. एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं. पहली थी प्री लिंग्विस्टिक स्टेज. इसके अंदर वो थोड़े बहुत वर्ड जिस तरह आ ऊ ई बोलता है जिसकी कोई सेंस नहीं होती, लेकिन उसी के जरिए वो अपने मतलब को समझा देता है. और इसके अंदर उसकी फर्स्ट क्राई जो लाइफ की है वो भी है. आगे है लिंग्विस्टिक यानी कि मॉर्फीम स्टेज. इसके अंदर ये है कि वो पहले 11 माह तक जो है वो एक आध वर्ड बोलता है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि फर्स्ट बर्थडे तक वो एक लफ्ज़ तो लास्ट ही बोल देता है. फिर आगे है कि 2 साल का जब हो जाता है उसके बाद जो है वो 2 words बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके उन 2 words में वो पूरा सेंटेंस अपना समझा देता है. आगे है साइंटिक स्टेज.
as time goes by, the child begin to add to his vocabulary quickly and also start learning the syntax of the language. अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, चाइल्ड की वोकैबुलरी में क्विकली यानी कि तेज़ी के साथ इजाफा होता है एंड आल्सो स्टार्ट लर्निंग, और वो लैंग्वेज की जो सिंटैक्स है उसको भी समझने लग जाता है. ही बिगिंस टू डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इसको ये भी समझ आने लग जाता है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है, एंड नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल. और वो यानी कि जो एक लैंग्वेज के सिंटैक्स है, जिस तरह अब लैंग्वेज की सिंटैक्स ये होती है, जिस तरह ये एक बच्चा है. अब मैंने है बोला, है नहीं बोला, इट मीन्स के मेरी जो लैंग्वेज की सिंटैक्स है वो सही है. अगर मैंने अभी बोला है कि मुझे लेके जाओ, तो मैं ये बोलूँगी मुझे लेके जाओ, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे लेके गया, वो फिर सिंटैक्स ख़राब हो जाएगी. यानी कि बच्चा जब इस स्टेज तक आता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो लैंग्वेज की जो सिंटैक्स है, लफ्ज़ों को प्रेजेंट में किस तरह बोलना है, पास्ट में किस तरह बोलना है, फ्यूचर में किस तरह बोलना है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, वो इन चीज़ों को भी समझने लग जाता है. द चाइल्ड मेक्स मिस्टेक्स इन द बिगनिंग बट ग्रेजुअली एक्वायर्स एक्यूरेसी. पहले पहले चाइल्ड मिस्टेक भी करेगा लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएगा. द चाइल्ड एक्वायर्स अ वोकैबुलरी ऑफ 200 टू 2000 वर्ड्स ड्यूरिंग 2 to 4 ईयर्स ऑफ एज. और जब इस दौरान जो है ना, उसकी वोकैबुलरी में 200 से 2000 वर्ड्स होते हैं, और ये बात हो रही है उसकी 2 से 4 साल के दरमियान. द चाइल्ड टेक मच इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू वर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. यानी कि 2 से 4 साल की उम्र के दौरान जो है, चाइल्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो नए वर्ड्स को सीखे. ही बिगेंस टू जगल विद वर्ड्स, और वो वर्ड्स के साथ खेलना भी स्टार्ट कर देता है इवन बिफोर ज्वाइनिंग स्कूल, स्कूल ज्वाइन करने से पहले. इसी वजह से बच्चे, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके पास बहुत से क्वेश्चन होते हैं, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहने की दिलचस्पी बहुत होती है चीज़ों को जानने की. He constructs a variety of sentences. Children acquire command of their native language along with this, with its grammatical rules by the age of 5. और 5 साल की उम्र तक बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज में कमांड हासिल कर लेता है और उसके ग्रामेटिकल रूल्स को भी जान लेता है. थ्रू दे आर कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट दिस एज, दे लाइक टू स्पीक सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज. अब वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो प्रेफर करते हैं सिंपल और ईजी लैंग्वेज को. The individual has a vast cognitive horizon in childhood. और childhood बचपन के दौरान जो आपके अंदर cognitive horizon जो है वो बहुत ही vast होता है, बहुत ही फसीह व बरीक होता है. Educational learning and wide social circle and skill to his communication. Educational learning और wide social circle जो है वो उसके skills में, conversation के skill में इजाफा करता है. आप जब school जाते हैं तो आप books वगैरह पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत से नए words आपको उसके सीखने को मिलते हैं. उससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रामर है उसके अंदर नए वर्ड्स आ जाते हैं, और आपकी जो अब लैंग्वेज पे कमांड तो है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, मज़ीद वर्ड्स ऐड होते जाते हैं और आप मज़ीद इफेक्टिव होते जाते हैं. द कन्वर्सेशन ऑफ द चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर एजुकेटेड एंड हु आर इंटेलिजेंट इज सीजेंट विद रिचर वोकैबुलरी देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी चिल्ड्रन. वो कहते हैं ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन पढ़े लिखे होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी वोकैबुलरी ज़्यादा रिच होती है, ज़्यादा अच्छी होती है अदर देन ऑर्डिनरी चिल्ड्रन, आम बच्चों की नस्बत. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उनकी आप समझे कि उनका लेवल पहले से ही अप है, वो ज़ीरो से नहीं समझे, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. बाकी बच्चे 0 से स्टार्ट करेंगे, वो 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको इतनी एजुकेशन जो है वो पहले ही घर से मिल चुकी हुई है. इट इज़ ईजी टू लर्न मोर देन वन लैंग्वेज इन चाइल्डहुड. और बचपन में ईजी होता है कि आप एक से ज़ायद लैंग्वेजेस जो हैं वो सीख लें. द चिल्ड्रन हु लर्न लैंग्वेजेस एट एन अर्ली एज हैव द सेम एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन एज दैट ऑफ द चिल्ड्रन हु लर्न अ लैंग्वेज एज देयर मदर टंग. और उन्होंने कहा है कि वो बच्चा जो कि अपनी अर्ली एज में कोई नई लैंग्वेज सीखे, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसकी कमांड सेम टू सेम होती है एक ऐसा बंदा जिसकी वो नेटिव लैंग्वेज. If a language is learnt at a mature age, the individual sounds like a foreigner. और अगर आप उसको एक मेच्योर एज में जाके सीखेंगे तो आप ऐसे ही लगेंगे किसी फॉरनर ने सीखी है कि वो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. पता चलेगा कि आपने सीखी है, आप नेटिव नहीं उसको बोलते. द डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ऑल टाइप ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज. डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज जो है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके अंदर तमाम के तमाम मेंटल कैपेबिलिटीज यूज होती हैं. The individual attains the ability to communicate effectively by virtue of his personal experiences, perception, association, retrieval, retention, and reasoning power.
इंडिविजुअल जो है वो कम्युनिकेशन को सही, कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है उसको सही मायने में तब अटेन करता है जब उसकी परसेप्शन, उसकी एसोसिएशन, उसकी रीजनिंग जो है वो कहें उसकी, यानी कि जब ये तमाम जो चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस, परसेप्शन, एसोसिएशन वगैरह, जब ये जिस तरह अप होती जाती है उसकी कम्युनिकेशन लेवल भी उसी तरह इफेक्टिव होता जाता है, उसी तरह अप होता जाता है। चलिए यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो गया। अभी इसके अंदर जो हमने पढ़ा है बेसिकली हमने इतना ही पढ़ा है कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेज जो है उसके अंदर आपके ब्रेन के तमाम जितने भी ब्रेन प्रोसेसेस हैं वो तमाम के तमाम गोल्स होते हैं, और उन्होंने बताया कि 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिसके अंदर आप मुकम्मल तौर पे लैंग्वेज सीख जाते हैं। एक है जब आप पैदा होते हैं उसके अंदर आपके, यानी कि आपका रोना, और उसके अलावा जो आप थोड़ी बहुत आवाज़ें निकालते हैं जिसका कोई, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, वो तमाम के तमाम जो हैं वो आपकी लैंग्वेज सीखने का एक हिस्सा है, उसको कहते हैं प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। फिर उसके बाद है लिंग्विस्टिक स्टेज, उसके अंदर ये होता है कि आप थोड़े बहुत वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं और वो मीनिंगफुल होते हैं। फिर आता है साइंटिक स्टेज, इसके अंदर ये होता है कि आप मुकम्मल तौर पे बोलना सीख जाते हैं, आपकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन आप सेंटेंसेस सही तरह बना लेते हैं, आप किसी को अपनी बात समझा देते हैं, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि आप सोसाइटी में आ जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो आप सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं और आप जो है उसको अपनी कहने के माइंड जो है उसके अंदर डाल देते हैं। फिर उसके बाद आगे है कि आप जिस तरह लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, परसेप्शन है, उसके अंदर भी इजाफा होता है, तो उससे क्या होता है आपकी जो लैंग्वेज है उससे उसके अंदर आगे आपको आती है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें भी इजाफा होता रहता है, वो भी ज़्यादा अच्छा होता रहता है। बस यही है इसके अंदर। यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया, और अगर आपको ये लॉन्ग आए तो आप इतना ज़्यादा लंबा ना लिखें, आप सिंपल पहले थोड़ा बहुत बताएं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कितने हुई, लैंग्वेज डेवलपमेंट ये होती है, इससे ये होता है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि थोड़ा बहुत ऐड करें यहाँ से इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे के। फिर उसके बाद जो है आप इधर आज ने बताएं कि कितनी स्टेजेस हैं, नाम लिखें, फिर उसके बाद जो इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें अपने अल्फाज में कि इसके अंदर ये होता है, आप मीनिंगलेस वर्ड्स बोलते हैं लेकिन ये जो है आपकी लैंग्वेज का एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक पार्ट है। फिर उसके बाद इसके अंदर आ जाएँ, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत मेन मेन पॉइंट बयान करें, और इधर आके भी आप थोड़ा बहुत बयान करें कि आपकी वोकैबुलरी में इतने वर्ड शामिल हो जाते हैं और बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पे बोलना सीख जाता है, लेकिन वो प्रेफर करता है कि वो ईजी लैंग्वेज में बात करें। बस इतना करके इसको टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म कर दें। सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस तरह लिखें, इसको पढ़ें और अपने अल्फाज में लिखें, और यहाँ पर टॉपिक हो गया फिनिश। और बोर्ड के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, सो गाइस इसको अच्छी तरह कीजिएगा, और कोई टॉपिक आपने समझना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं वीडियो लगा दूँगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।